बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है चॉकलेट के साथ। चलो खाओ। अच्छा है, बीच में चॉकलेट है ना। कैसी लग रही है? चलो ट्विंकल, यहाँ कहाँ बैठी? ट्विंकल को मंदिर बहुत नाना का पसंद है, बार बार यहीं पे आती है और पूजा भी की है। पूजा की हो ना? हाँ। चलो 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 चलो, बुला रही हैं। और हम लोग ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो कल ही सब लोग आएंगे। या फिर चलो चलो ट्विंकल, ड्रेस मत गंदा करो। तो फाइनली ये बर्थडे लुक है ट्विंकल का। बैलून यहाँ लेके आई हो? सारा बैलून बर्थडे से पहले ही सब लोगों ने फोड़ दिया, तो जितना बैलून था सब माही मैंग ट्विंकल पीयूष सब ने मिल के सारा फोड़ दिया। और तुम क्या कर रहे हो? पूरा। तो दोस्तों ट्विंकल के बर्थडे पे देखिए हमारी फ्रेंड आई है सालू, और ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं है क्योंकि मेरा ही काम बढ़ जाता, क्योंकि भाभी का व्रत है और वो व्रत की वजह से घर पे ही रुकी है, कोई यहाँ पे आ ही नहीं पाया। बस हम छोटे बस बच्चे और मैं और मेरी फ्रेंड आई है, बस इतने ही लोग हम लोग सेलिब्रेट छोटा सा पार्टी किए हैं, क्योंकि अभी बस ट्विंकल का मन रखने के लिए किए हैं। ट्विंकल नहीं तो खुश नहीं रहती, इसलिए उसका मन बस रखने के लिए छोटी सी पार्टी कर लिए हैं। बाकी सबको व्रत भी था और बहुत सारा जन्माष्टमी कल होने की वजह से आज बहुत काम भी था, सब दौड़ ही रहा है। अभी भी पापा भैया मार्केट ही गए हैं सब बाज़ार करने, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं हुआ, बस छोटी मोटी पार्टी हम लोगों ने की है। और नाश्ता पानी यहीं पे हम लोग बनाएंगे और अच्छा खाए हैं, और आप लोग भी इसको अच्छे से विशेष दीजिएगा। और मेरा ये देखिए, सो मैंने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है धानी, और मुझे मैंने सोचा कि बर्थडे में और ट्विंकल की यही पहनूँ। सो ट्विंकल कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड ब्लॉग पे बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
के एक मैंने फ्रिज में रखवा दिया है, बट कल भी उनका व्रत है और मेरी बहुत लोग इसीलिए नहीं आए क्योंकि व्रत है उनका, वीकनेस होता है और कुछ खाना भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा बर्थडे में आने का जब कुछ खाना नहीं है, इसलिए कोई आए नहीं। सो भी आप लोगों के लिए ये केक बनाया है, तो आप एंजॉय कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।